अब देखिए स्टूडेंट, अब हम ये सेकेंड पार्ट करेंगे प्रैक्टिकल का। डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो सबसे पहले देखिए, हमको लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द वायर है 0.035 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एरिया जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। अब रेडियस देखिए हमारे पास है 0.035, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 0.035, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ, 0.035 का स्क्वायर निकालेंगे। 0.035, ये देखिए 0.035 इंटू 0.035 स्क्वायर निकालने पे देखिए 1.225 × 10⁻³। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.225 × 10⁻³, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है 3.14 से। तो आप देखिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो आप देखिए इसका आंसर जो आ रहा है 3.8465 × 10⁻³। तो हम यहाँ पर देखिए आंसर जो है ये 3 डेसिमल में लिखेंगे, 3.846 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर 3.846 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने वायर की एरिया निकाली हुई है। तो इस तरह से देखिए, अगर हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालना है, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रखा हुआ है, दैट इज़ टेबल नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर फाइंड करेंगे बाय, दैट इज़ बाय द मीटर बेस। तो हम लोग देखिए नल पॉइंट फाइंड करेंगे। ये देखिए लेफ्ट गैप में मैंने वायर रखा हुआ है, और ये वायर की लेंथ जैसे मैंने आपको बताया 80 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस और एरिया हमने फाइंड कर रखा हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट इज़ बाय यूजिंग मीटर पेज। तो यहाँ पर देखिए मैंने राइट गैप में 10 ओम्स रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने राइट गैप में 10 ओम्स रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, दैट इज़ ये 10 ओम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा जॉकी है, तो दोनों साइड इसको पहले टच करेंगे और देखेंगे कि नीडल जो है ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जब मैं एक साइड पे इसको टच कर रहा हूँ, ये देखिए मीटर बीच के, तो ये लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब दूसरे साइड टच करूँगा तो ये देखिए राइट साइड पर ये टच होगा। अब देखिए मैं ये जॉकी को क्या कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ इस मीटर बीच पर, और इसकी नल पॉइंट देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। आप देखिए ये जॉकी जो है इसको स्लाइड किया जा रहा है, और देखिए इसका नल पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर पे आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, दैट इज़ LX इज़ 50 सेंटीमीटर, और LR जो रहेगा हमारा, आप देखिए वो भी कितना रहेगा, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 50 सेंटीमीटर रहेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो चुका है। आप देखिए अब ये सेकेंड पार्ट वाला हम करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है देखिए ये चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 के जगह पे 12 निकाला हुआ है, और आप देखिए हम इसके लिए अब नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे कि मीटर ब्रिज के एक साइड पर लगा रहे, तो देखिए लेफ्ट साइड पर जा रहा है। दूसरे साइड पर जब हम लगाएंगे तो देखिए ये राइट साइड पर जा रहा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये नल पॉइंट फाइंड करने के, यहाँ पर नल पॉइंट फाइंड करने के लिए देखिए ये ब्रिज पे इसको स्लाइड किया जा रहा है जॉकी को। तो आप देखिए इसका हम लोग नल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये नल पॉइंट इसका आया हुआ है, दैट इज़ 55 सेंटीमीटर पे। तो आप देखिए ये सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड पार्ट में देखिए रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, दैट इज़ ये 12 ओम्स है, और यहाँ पर देखिए LX हमारा 55 आया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रहेगा ये देखिए ये 45 रहेगा, LR 100 − 55, दैट इज़ 45 रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग वाला पार्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो देखिए मैंने लेफ्ट गैप वाले को जो रेजिस्टेंस था उसको मैंने देखिए यहाँ पर राइट गैप में लगाया हुआ है,
और राइट गैप का देखिए लेफ्ट गैप में लगाया हुआ है, और देखिए अननोन रेजिस्टेंस जो है इस वक्त देखिए यहाँ पर ये 10 ओम्स रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मीटर भी है तो यहाँ पर लगाने पे देखिए ये निडल देखिए एक साइड पे जा रहा है और दूसरी साइड लगाएंगे तो देखिए दूसरी साइड पे जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग नल पॉइंट फाइंड करेंगे उसी तरह से जैसे पिछले वाले में हमने फाइंड किया था। तो ये देखिए इसको नल पॉइंट में फाइंड करने जा रहा हूँ, और आप देखिए यहाँ पर ये नल पॉइंट आया हुआ है, देट इज़ अराउंड 52 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 52 सेंटीमीटर पर आया हुआ है, तो हमारा LX जो है देखिए ये 52 है, और LR जो रहेगा देखिए ये 100-52 रहेगा। तो आप देखिए LX जो हमारा है ये 52 है और LR जो रहेगा 100-52 रहेगा। देखिए ये 100 है, इसमें से हम लोग 52 निकाल देंगे तो ये देखिए ये 48 रहेगा। तो आप देखिए LR जो रहेगा ये 48 रहेगा। अब हमको मीन LX चाहिए, ये देखिए इसमें तो 50 + 52 डिवाइड बाई 2 करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 50 + 52 इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखिए 51 आया हुआ है। अब उसी तरह से LR भी निकालना है, 50 और 48 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 50 + 48 को हमको ऐड करना है और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखिए ये 49 आया हुआ है। तो ये हमारा LR आया हुआ है। अब LX और LR को हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 51 और 49 को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए जब मैं इसको 10 ओम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब देखिए 51 और 49 को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए 51 डिवाइडेड बाय 49, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारा आया हुआ है 10.408। तो इसको राउंड अप करके 10.41 ओम्स लिख रहा हूँ मैं। तो आप देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आया हुआ है फर्स्ट पार्ट के लिए ये 10.41 ओम्स आया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ये 12 ओम्स है। तो ये देखिए ये 12 ओम्स है, यहाँ पर देखिए 10 और ये 2, और इसको मैंने लेफ्ट गैप में लगाया हुआ है तो इंटरचेंज कर दिया है। तो अब हम लोग इसका रीडिंग लेंगे, तो आप देखिए ये देखिए मैं पहले इसको चेक करता हूँ, तो देखिए ये निडल देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जब दोबारा यहाँ पर लगाऊंगा तो देखिए ये राइट साइड पे जा रहा है। अब इसका हम नल पॉइंट निकालेंगे, तो ये देखिए इसको मैं यहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ जॉकी को, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो निडल है, आप देखिए ये निडल जो है देखिए यहाँ पर ये नल पॉइंट की जगह पर जा रहा है, देखिए ये शिफ्ट हो गया है, और आप देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका है और इसका नल पॉइंट जो आया है ये 46 सेंटीमीटर पर आया हुआ है। तो आप देखिए LX जो रहेगा इसका 46 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये देखिए ये 46 है, और जो LR जो रहेगा देखिए ये 44 है। अब देखिए अब इसका मीन LX जो रहेगा ये 55 और 46 को ऐड करना पड़ेगा, तो आप देखिए 55 और ये 46 को हमको ऐड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 50.5 आ जाएगा। तो मीन LX देखिए इसका कितना आया हुआ है, 50.5 आया हुआ है। उसी तरह से हमको मीन LR भी निकालना पड़ेगा, तो 45 + 44 को ऐड करना पड़ेगा, 45 + 44 को ऐड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 44.5 आया हुआ है। आप देखिए ये 44.5 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये मीन LX और LR को डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए ये 50.5 जो हमारा आया हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे 44.5 से, तो ये जो आंसर आएगा इसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये देखिए इसका आंसर जो आया हुआ है यहाँ पर 13.61। तो आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो आया हुआ है 13.61 को राउंड अप करके मैं 13.62 लिखता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर देखें मेन अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज़ 10.41 + 13.62, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेन रेजिस्टेंस देखिए हमारा 12 ओम्स आया हुआ है। तो मेन अननोन रेजिस्टेंस जो है आप देखिए ये 12 ओम्स आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा देखिए ये प्रैक्टिकल का पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन है। तो हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, देखिए ये 12 ओम्स है,
अब हमको वायर की क्या करनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, आर मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई एल। तो ये सब चीज़ें हमने निकाल रखी हुई है। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ। अब आर हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है, 12 ओम्स है। तो आ देखिए मैं इसको यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। एरिया हमने पहले निकाला हुआ है कैलकुलेशन से, तो आ देखिए 3.846। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 3.846 मल्टीप्लाई बाय 10^-3। लेंथ हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखिए वायर का लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसको 80 लिख देता हूँ। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये 12 को मल्टीप्लाई करना है 3.846 से। तो आप देखिए यहाँ पर ये 12 है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3.846 से। तो आप देखिए ये 46.152 है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, दैट इज़ 46.152, और इसको डिवाइड किस से करना है, 80 से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10^-3 से। तो आप देखिए 46.152 है यहाँ पर, इसको डिवाइड करना है 80 से। तो जब इसको 80 से डिवाइड किया जा रहा है तो 0.5769 आ रहा है। इसको राउंड अप करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.58। तो आप देखिए इसको मैं 2 डेसिमल में ना रखते हुए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर को 3 डेसिमल प्लेस में लिख रहा हूँ, दैट इज़ 0.577। तो आप देखिए 0.577 मल्टीप्लाई बाई 10^-3, और इसकी यूनिट जो रहेगी आप देखिए यहाँ पर ये ओम सेंटीमीटर रहेगी। तो इसकी यूनिट रहेगी दैट इज़ ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हमने रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर ली है। तो इसका आंसर जो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.577। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ 0.577, यानी 0.577 मल्टीप्लाई बाय 10^-3। तो मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया है 0.577 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ओम सेंटीमीटर। तो इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हमारा 0.577 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट कर लिया है। हमने रेजिस्टिविटी ऑफ वायर यहाँ पर फाइंड कर लिया है, दैट इज़ 0.577 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ओम सेंटीमीटर। तो यही हमारा प्रैक्टिकल था, हमको वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया है।